राष्ट्रीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान आज तीन चरणों में होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पहले चरण का चुनाव आज है और दूसरे चरण का चुनाव 31 जनवरी को होगा। तीसरा चरण पंचायत चुनाव 3 फरवरी को होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है। शिवम मिश्रा जुड़ गए ताजा जानकारी के साथ। शिवम, क्या और जानकारी दे पा रहे हैं, क्योंकि तीन चरणों के ये चुनाव है जिसमें पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान जारी हो गया है सभी जिला पंचायतों पर और शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे मतदान खत्म होने के बाद वहीं पर घोषणा होगी और वोटिंग की गिनती होगी वहां पर। उसके बाद प्रथम चरण के मतदान के वहीं पर निर्णय भी आ जाएंगे कि और एक एक वोटरों को 4-4 वोट देना पड़ रहा है अलग अलग प्रत्याशियों के लिए। उसके बाद 31 जनवरी को दूसरे चरण के मतदान होंगे और फिर 3 फरवरी को तीसरे चरण का पंचायत चुनाव का मतदान होने वाला है। बिल्कुल, कुछ जानकारी मिल पा रही है शिवम, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। जी बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रही है बिल्कुल सही है कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और कुछ कुछ क्षेत्रों पर 28-29% तक मतदान अभी तक हो चुके हैं। काफी कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी सुरक्षा भी रखी गई है मतदान के लिए। और कई ऐसी जगह है जहां पर काफी देर से शिकायतें भी आ रही हैं कि प्रत्याशियों के नाम इधर उधर हो जा रहे हैं, तो मतदान केंद्र बदली हो जा रहे हैं जहां पर अभी तक वोटिंग रोक दी गई है और कुछ देर बाद और अपडेट आपको दिया जाएगा। बिल्कुल शिवम, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्या किसी अभी तक वहाँ भी जो मतदान हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है अभी? जी बिल्कुल, जो संवेदनशील इलाका है जहाँ पर प्रशासन पहले से तैयारी पर है कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान को लेकर के, अब तक वहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आई हैं। जैसा कि वहाँ पर पूरी व्यवस्था के साथ अब तक मतदान हो रहा है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि संवेदनशील इलाका है वहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पूरी सुरक्षा और पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर प्रशासन का बल वहाँ पर तैनात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी के लिए। राजधानी